प्रातर विधि से निवृत्त होकर गुरुदेव भगवान के सिर चरणों में वंदन करते हैं। बड़ी अच्छी शब्दावली है, स्नान ध्यान निध्यासन करके 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट देखिए, हिंदू सनातन, सनातन हिंदू, दुनिया भर की शब्दावली हमने इकट्ठा कर रखी है। पहली बात तो शिखा रखने की आदत डालें पुरुष लोग, शिखा बहुत आवश्यक है। शिखा माने चोटी, और त्रिवर्ण में से कोई है तो सूत्र माने जनेऊ पहनने का अभ्यास करें। नेता न बनिए, नेता लोग बताते बहुत है करते कुछ नहीं, ये अच्छी बात नहीं। हम करें, करेंगे समाज, बच्चे परिवार देखेंगे, वो भी करेंगे। करना बहुत अनिवार्य है साहब, कहने से काम नहीं चलेगा। मैं प्रति कथा में निवेदन करता हूं, ये जो व्यास आसन है ना, ये प्रेम भूषण का और किसी कथावाचक का नहीं है। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, इसको कलंकित करने का किसी को अधिकार नहीं, इसको शुद्ध बुद्ध रखा जाए। व्यास आसन है, तुलसी मैया का बिरवा भगवान विष्णु का मंगल आशीर्वाद है, इसलिए पूज्य। दो बात, तीसरी बात, गौ गंगा गीता गायत्री और संत, इनमें हमारी राम जी और कृष्ण भगवान जैसी निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा की प्रतिष्ठा है गौ गंगा गीता गायत्री संत, इनमें हमारी ऐसी निष्ठा हो। केवल जेहवा हिलाने से काम नहीं चलेगा, इसको रहना पड़ेगा। स्नान किया जाए 5 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट भगवत भजन किया जाए। मैं सबके लिए नहीं आग्रह कर रहा हूं, मैं अपने राम जी की आज्ञा से जो सगुणों पासक हैं उनसे प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूं कि वो भजन में 10-20 मिनट बैठें, 24 मिनट कम से कम, 24 घंटे में 24 मिनट भगवान का स्मरण करना ही चाहिए। ये दशांश परमात्मा के स्मरण के लिए है। 24 मिनट जो भगवान का स्मरण करता है, 24 घंटे भगवान उसका चकाचक रखते, मंगल रखते। करके देखो, करिएगा तो मिलेगा, जो करेगा नहीं उसको क्या मिलेगा। गुरु जी लोग पहले कहा करते थे, प्रातः काल पाठ कंठस्थ करो, सायंकाल सोने के पहले 2 घंटा लिखा पढ़ी करो, मैथमेटिक्स लगाओ, फिजिक्स लगाओ, केमिस्ट्री को हल करो, और प्रातः काल उन चैप्टर को लर्न करो, याद करो, कंठस्थ करो जो तुम्हारी परीक्षा के लिए उपयोगी है। प्रातः काल कंठस्थ करना जीवन भर भूलता नहीं है, विस्मरण नहीं होता है। यहां जो शब्द है, सकल शौच करी जाय नहाए, अर्थात इसमें स्नान भी शामिल है, संध्या वंदन भी शामिल है, पूजन भी, सूर्यार्घाद सब शामिल है, इतना करना चाहिए। और फिर नित्य निभा, ये नित्य क्रिया है, निभा कर गुरु जी के पास आए। गुरुदेव आज्ञा हो तो पुष्प दल वेल पत्र लाए, सामने वाटिका है, गुरु जी ने आज्ञा दी, गए। गए तो, लेकिन गोस्वामी जी के लिए एक प्रसंग हो गया। वाटिका के मध्य में दिव्य सरोवर है, उसके चारों घाट रत्नों से आच्छादित हैं, सजे हैं। भगवान ने, देखिए,
प्रभु ने यदि अर्थ दिया है तो अर्थ का इतना सदुपयोग करना चाहिए कि हम रहें न रहें हमारे बाद वाली पीढ़ियां हमारा स्मरण अवश्य करें। और कुछ हो चाहे ना हो, हम केवल हमारे लिए नहीं, इकट्ठा करने का क्या मोल है। अर्थ का सदुपयोग होना चाहिए। कल मैंने निवेदन किया था, जितना है वो अपने को ही पूरा नहीं पड़ता है, और मिले तो कोई मना नहीं करता है, परंतु हम हमारों के लिए करते करते अपने नाम से कुछ छोड़ जा रहे हैं क्या? जनकराज महाराज ने जो योग वाटिका सजाई है, मध्य में सुंदर सरोवर है, अब परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख, भगवान को बहुत अच्छा लगा। दक्षिण भारत की ओर आप कहीं भी चले जाएंगे, एक राजा हुए, स्थान का नाम मैं विस्मरण कर रहा हूं, श्रीमंत राकेश वर्मा, एक बार और सुनाया था। हाँ, वो दक्षिण भारत में जब सोने वाले भगवान कौन है? रंगनाथ। ना ना जिनके यहाँ वो सरोवर है, सरोवर में सोना गड़ा है, सोने वाले भगवान लंबे लेटे रहते हैं, वो तिरुपति बालाजी, पद्मनाभम मंदिरम। तो जब आप पद्मनाभम भगवान का दर्शन करने जाएंगे, उनसे थोड़ी दूर आगे लोग बताएंगे, वो जिन्होंने इनको पधराया था वो राजा थे साउथ के, राकेश वर्मा जी। उन्होंने क्या दिव्य महल बनाया है साहब, दर्शनीय महल है। जनान खंड लग है, दीवान खंड लग है, आज भी वो वैसे ही है, क्योंकि आतताइयों का उधर आक्रमण हुआ नहीं, ये तो इधर ही थक गए सब, तो उधर जा ही नहीं पाए। आज भी वो ढांचा वैसा ही बना है। यदि बाहर कोई उत्सव होता था तो पर्दानशीन बहुएं बेटियां पर्दे से बाहर तो देख सकती हैं, लेकिन बाहर वाला व्यक्ति उनका दर्शन नहीं कर सकता। ये अद्भुत सजा है। मैं एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे आया, एक बार नीचे गया, एक बार ऊपर गया, दिव्य दर्शन। वो गाइड बड़े अच्छे थे, और भोजन करने के लिए महाराज के जो विशेष अतिथि आते थे, इस पंडाल से थोड़ा सा दूर इतना बड़ा भोजन कक्ष है, बनाने का जो रसोई शाला है, पाकशाला, वो दिखती नहीं किधर है, केवल परसने वाले आते हैं। ऐसा राजमहल आप वहां चले जाएं, बहुत अच्छी बात, न जाएं तो श्रीमान जो ज्योतिरादित्य जी हैं, इनके दादा दादी जी ने जो सजाया है महल ग्वालियर वाला, वो भी बिल्कुल सेम है। कैसे धन का, जन का सदुपयोग होना चाहिए, हमारे राजाओं ने खूब शिक्षण दिया है, लेकिन वो तो क्या कहे। पढ़ाई हम लोगों की ऐसी रही कि ये सब बातें छिपती चली गई, और कब कब लतियाए गए यही पढ़ाया गया। कब यमन आके लूटे, कब अंग्रेजवा आके लूटे, यही हम लोग पढ़ते रहे कक्षा 8 से लेकर हमें तक। इतिहास हमारा खंडित पंडित साहब, तो कहां से एक पाठ 3 पृष्ठ का हिंदू पद्पातशाही के प्रथम सम्राट भगवंत स्वरूप छत्रपति शिवाजी का पढ़ा दिया, नहीं तो महाराणा साहब का तो एकदम भंटे डार कर डाला इन राजनेताओं ने, हैं कहने में नहीं आता है। अब जब वहां जाके दर्शन करते हैं, आप उदयपुर चले जाइए, क्या किला का महाराज महाराणा साहब जो पहनते थे कवच, एक कुंटल के लगभग है वो, एक कुंटल आज के आदमी को धर दिया जाए तो दब जाएगा, दूसरा उठाएगा उसको। 80 किलोग्राम का उनका भाला था जो चेतक पर लेकर वो बैठते थे। 80 किलो, 80 किलो कोई हाथ में उठा सकता है क्या? महाराणा साहब की क्या ऐश्वर्य और क्या पौरुष रहा होगा। आज भी जब आप जाएंगे किला की तरफ तो जो चेतक का स्वरूप बना है, हा साहब क्या बात है, दिखाएंगे आपको, नवंबर की कथा है बाबा वाली। अरे भाजी क्या,
चेतक अभी भी ऐसे लगते हैं, यहां से उड़े, मैंने आपके घर से चेतक जब लेके सरकार को उड़ा है महाराणा साहब को, तो परशुराम वाटिका में आकर छलांग लगाया और वहीं शरीर शांत कर दिया। क्या वीरत्व, मैंने मनुष्य में तो था, हमारे देश में पशुओं ने भी स्वामी भक्ति की क्या पराकाष्ठा जी, आप कह नहीं सकते। चेतक की वीरता, डॉक्टर श्यामनारायण पांडे जी ने क्या रचना बनाई। तो ये बाबा ने, आप रामायण जी पढ़ते होंगे तो आपको लगता होगा कितना सुंदर, नहीं नहीं, आप जरा इन दिव्य स्थलों का दर्शन करिए, तब आपको लगा होगा जनकराज महाराज जिनकी पुत्री जगजननी पारंबा मां भगवती श्री जी सीता महारानी बनकर के आई, उस जनक जी का ऐश्वर्य क्या रहा होगा, क्या ऐश्वर्य रहा होगा हो? जहां ब्रह्म साक्षात दर्शन के लिए आ गए, उस वाटिका का क्या बोल, अद्भुत।